किस चीज़ के लिए आए यहाँ पे? दुकान करता था भाई, और बंद क्या करूँ। सोनू सूद का बर्थडे है तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये दिखाओ ना, इधर है ना सोनू सूद का बर्थडे। ये वाला पीछे बैक साइड में चलो।
आप भी आ जाओ भाई, एक काम करो पीछे अभी नहीं, अभी नहीं, रुको अभी रुको, मेरा सुन ले, दिमाग मत लगाओ ना, उधर टेबल पकड़ो इधर आओ। हां चलो आराम से आओ, आराम से आओ। ये देखिए, ये होता है रियल हीरो का काम। अभी हम लोगों ने सोचा था कि साइड पर कौन है, ऐसे कौन है, ये सही बस 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 बंद हो गया था, लेकिन इन्होंने नहीं आ रहे मत करो के बीच में, क्योंकि आज ये जो भी है वो पानी की वजह से है, और इसीलिए जो आज बाज बाज यार भाई, एक मिनट एक मिनट, अरे रुक ना बे, हट जा, 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 हट अरे नाना बड़ा पीछे आ जाओ यार, भाई भाई पीछे हो जाए। अरे दादा अब क्या है सर, सर हाथ में लीजिए, एक केक, एक केक हाथ में लो ना, एक केक हाथ में लो ना, एक केक सर, एक केक हाथ में लीजिए ना, हैप्पी बर्थडे सर, ये थोड़ा नीचे महेश भैया, मैं भैया भैया, मैं भैया भैया, हैप्पी बर्थडे भैया, ए दादा, ए दादा माइक निकाल रे भाई, ए सर 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 सर, एक मिनट एक मिनट, नीचे से यहाँ पे सुनो भाई, हैप्पी बर्थडे सर, और ये हमारे बिहार का शान होता है गमछा, और सबसे ज्यादा आपने बिहारियों का इज्जत रखा है, जिया बिहारियों ने भैया, ये ले ठीक है, और ये आप ऐसे ही काम करते रहिए बस, भैया मैं भैया, थैंक यू भाई, थैंक यू, इनके साथ में ले लो आर्टिस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं खुद इंडिया में नहीं था, मैं भी इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे पता है कि हर साल 30 तारीख को ये लोग पहुँचते हैं, और देश भर के कोने से लोग बढ़ाई थी, जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ तो लगता है कि जो प्यार देखकर उनका विश्वास जो है दूर बैठ, और लगता है कि ये लोग परिवार जो है इतना बड़ा हो चुका है कि और एक और जिम्मेदारी है कम लोगों के ऊपर, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मानते हैं कि आपके ऊपर क्या बेवाड़ा बढ़ती चली जा रही है, एंड
डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी जो इनकी जो जिम्मेदारी है कंधों पे उठाई है, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा निभा सकूँ। बड़ी दुनिया दूर दूर से आते हैं, देश भर से लोग आते हैं, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोशिश करूँगा कि जितनी जिंदगियाँ सुधार पाएँ, जितने चेहरों पर खुशियाँ ले पाएँ, उतनी ला पाएंगे। मुझे बहुत है, मेरा पूरा उम्र घर जो है भरा भरा पेंटिंग्स के साथ, पूरा एक फ्लैट ही है पूरे, इतनी कमाल कमाल की पेंटिंग से इतना प्यार दिया लोगों ने, और लगता है कि माँ बाप की दुआएं हैं जो कहने के असर। दोनों से पिछले 2 साल से जो आप काम कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर राजनीति के माध्यम से ये काम करेंगे तो ज़्यादा आपको एक बड़ा माध्यम मिलेगा, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे आप लोगों के लिए? पता नहीं, आई थिंक जो अभी माध्यम दिखाया है भगवान ने वो तो सही है, बहुत सारे लोगों तक पहुँच भी पा रहे हैं, और मकसद नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से माध्यम से, वैसे एक्टर हो या फिर पॉलिटिशियन हो, लोगों की ज़िंदगी बदलना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, और वही करता रहूँगा और अच्छा लगता है। यही है सारी फैमिली हमारी, यही है, यू नो इन्हीं के साथ ही आए हैं, और ये बड़ा परिवार है और इन्हीं के साथ मनाएंगे बर्थडे, अब काटे केक भी काटे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तो कोशिश करूँगा कि जो लोग भी हैं यहाँ पर जाएँ खुश हैं। अभी आज शूटिंग चल रही है मेरी, साउथ की चल रही है, हिंदी फिल्म का भी पूरा भी प्रेप चालू है जो होम प्रोडक्शन का, बट आज का दिन था, जिम्मेदारी थी तो आना तो जरूरी बनता है। चलिए, फैंस को कुछ कहेंगे आप जो हर दिन आते हैं, आपकी एक झलक पाएंगे, बस मैं यही कहूँगा कि यू नो जितने लोग आते हैं बस कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल सकें, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों तक मेरी हेल्प नहीं पहुँच पाई, लेकिन फिर भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।